हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक पीडीएफ फाइल से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक पीडीएफ फाइल होगी। ठीक है, जैसे मेरे पास ये एक पीडीएफ फाइल है। ठीक है, ये दिस इज माई रिज्यूमे। तो इसमें से हम क्या करेंगे, जो भी इसमें ये डेटा है, ठीक है, जैसे ये लैंग्वेजेस हैं या फिर जो भी मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं या मेरा जो भी स्टडी करिकुलम है, इसका जो भी डेटा है, ठीक है, यहाँ पे इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। इस डेटा को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय यूजिंग पाइथन, और इस डेटा को हम एक टेक्स्ट फाइल में सेव करवाएंगे। ठीक है, तो मतलब हम एक तरीके से स्क्रैप कर रहे हैं डेटा को फ्रॉम अ पीडीएफ फाइल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए जो हम यूज़ करेंगे, जो पाइथन की लाइब्रेरी हम इसके लिए यूज़ करेंगे, वो है पाई पीडीएफ टू। ठीक है, तो पाइथन में एक लाइब्रेरी है पाई पीडीएफ टू, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में हम जाएंगे। तो ये जो लाइब्रेरी है, ठीक है, ये यूज़ होती है पीडीएफ फाइल से डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो, पाई पीडीएफ टू इज़ अ फ्री एंड ओपन सोर्स प्योर पाइथन पीडीएफ लाइब्रेरी कैपेबल ऑफ स्प्लिटिंग, मर्जिंग, क्रॉपिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग दी पेजेस ऑफ पीडीएफ फाइल्स। इट कैन आल्सो ऐड कस्टम डेटा व्यूइंग ऑप्शंस एंड पासवर्ड टू पीडीएफ फाइल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस लाइब्रेरी की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसकी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पे आप जाके रीड कर सकते हो। ठीक है, कोई भी ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक लाइब्रेरी के मेथड्स या फिर वो कैसे काम करती है वो आपको याद हो। ठीक है, ऐसा बंदा कोई भी नहीं है जो सभी मॉड्यूल्स के सभी फंक्शन को याद कर पाए। ठीक है, इसलिए हर एक मॉड्यूल की या फिर हर एक फ्रेमवर्क की डॉक्यूमेंटेशन हमें प्रोवाइड होती है, ताकि हम उसको रीड आउट करके उसको यूज़ कर पाएँ। ठीक है, तो सेम ही हम यहाँ पे करेंगे। पाई पी डी एफ टू है, तो पहले हम इसको यू कैन इंस्टॉल पाई पी डी एफ टू वाया pip इंस्टॉल दिस कमांड। ठीक है, इस कमांड को रन करके हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने वी एस कोड में, और यहाँ पे पहले मैं एक फाइल, न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, फाइल यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसको लिखूँगा एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम pdf.py। ठीक है, एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम pdf.py। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी जो लाइब्रेरी है पाई पी डी एफ टू इसको इंस्टॉल करेंगे। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे मैं टर्मिनल में जाऊँगा। टर्मिनल में जाने के बाद यहाँ पे मैं सिंपल अपनी कमांड को रन कर दूँगा। ठीक है, ये जो लाइब्रेरी है ये मैंने पहले ही इंस्टॉल कर रखी है। तो यहाँ पे मुझे आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अगर आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल नहीं होगी तो यहाँ पे आपकी ये पाई पी डी एफ टू जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएगी बाय यूजिंग दिस कमांड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर हम डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे। ठीक है, इसको आप ऐसे भी इंस्टॉल कर सकते हो, बट हमने ऐसे कर लिया तो हमारी ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है। अब यहाँ पे यूसेज क्या है, यहाँ पे क्या है, हमें पी डी एफ रीडर एक फंक्शन है, पाई पी डी एफ टू फाइल, पाई पी डी एफ टू लाइब्रेरी का पी डी एफ रीडर फंक्शन है, इसका यूज़ करके यहाँ पे हम अपनी फाइल को रीड करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पीडीएफ रीड, इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पे हम पीडीएफ रीडर फंक्शन को यहाँ पे यूज़ करेंगे और इसके अंदर अपनी फाइल को पास कर देंगे जिसका हमें डेटा चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रीडर एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और रीडर .pages attribute का यूज़ करके हम इसके जो भी पेजेज़ हैं उनको फैच कर लेंगे। यहाँ पे हम लेंथ, यहाँ पे ये लेंथ फंक्शन का यूज़ करें, दैट मीन्स कि जितने भी इस पीडीएफ में पेजेज़ होंगे वो हमें यहाँ पे गेट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, रीडर ऑब्जेक्ट बन गया था हमारा फाइल का। अब डॉट पेजेस की मदद से इसने जीरो से इंडेक्स पास किया है, मतलब ये फर्स्ट पेज का डेटा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इंडेक्सेस पास कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट पेज का डेटा यहाँ पे ये एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमें सभी पेजेस का डेटा एक्सेस करना है तो हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, वन बाय वन सभी पेजेस का डेटा वो हम इसमें स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें जब हमारे पेज का डेटा आ गया, अब उस डेटा को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, पेज डॉट एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट मेथड का यूज़ करके। ठीक है, पेज का ये जो ऑब्जेक्ट बना है पेज, इसके अंदर इसका एक एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट नेम का फंक्शन होता है, उसका यूज़ करके यहाँ पे हम अब उसका जो टेक्स्ट है वो एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे और हमें पूरा टेक्स्ट मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पेज का। ठीक है, तो ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, आप इसको जाके रीड आउट कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर इसको, इस लिंक को ओपन करके इसका जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी इसके यूसेज हैं,
ठीक है, वो यहाँ पे इसको रीड आउट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करूँगा कोड को, ठीक है, इसको यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाके वीएस कोड में इसको पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे पीडीएफ टू हमारी, हमने क्या किया, फ्रॉम इम्पोर्ट दिस, और यहाँ पे मैं अपनी जो मेरी पीडीएफ फाइल है उसका यहाँ पे नेम पास कर दूँगा। तो मेरी पीडीएफ फाइल है दिस वन, तो यहाँ पे इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इसको सिंपल मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद सिंपल ये डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं, क्योंकि मेरा वन लाइनर का ही, वन पेज का ही रिज्यूमे है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस वन आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर इसको प्रिंट कराऊँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँ प्रिंट नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे सॉरी नीचे आ गया ये, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इज इक्वल्स टू कॉमा डाल के यहाँ पे नंबर, सॉरी को क्लोज करना था, यहाँ पे मैं लिख दूंगा नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे नंबर ऑफ पेजेस इक्वल टू जितने भी मेरे नंबर ऑफ पेजेस होंगे वो आ जाएंगे और यहाँ पे डेटा आ जाएगा, ठीक है। अब मैं फर्स्ट पेज का डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे तो पेज ही एक है, तो वो सारा डेटा इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब वो टेक्स्ट इसमें आ जाएगा, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट का यूज, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ किया, तो हमने इस वाले टेक्स्ट वेरिएबल में हमारे पेज का सारा डेटा आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ नीचे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेक्स्ट, तो यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे नीचे प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, इसको मैं एग्जीक्यूट करूँ, तो नंबर ऑफ पेजेस वन आ गया, ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस वन, ये देखिए यहाँ पे आया नंबर ऑफ पेजेस वन, क्योंकि एक ही डेटा था, ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस वन। उसके बाद ये देखो सारा आ गया, सचिन कुमार सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये मेरी ईमेल आईडी, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, ये मेरा एड्रेस आ गया, ठीक है, ये आई ऑलवेज एनर्जेटिक, ये जो भी वो होती है एक लाइन लिखनी होती है अपने रिज्यूमे में, ठीक है, इम्पैक्ट डालने के लिए, वो यहाँ पे लिखी है मैंने, ठीक है। ईगर टू लर्न न्यू स्किल्स, वर्क एक्सपीरियंस, ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस आ गया, ठीक है। ये मेरा वो आ गया, ठीक है, कहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन करी है, ये मेरे मार्क्स 12th के इतने ही थे, 69%, कुछ ज़्यादा नहीं थे, 12th मैंने आर्ट्स में करी है, ठीक है। ये मेरी स्किल्स हैं पाइथन, जेंगो, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये वो करके, ठीक है, जो भी था ये सारा गिटहब लिंक प्रोजेक्ट्स के वो यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो सारा कुछ ऐसा हमारा एक्सट्रैक्ट यहाँ पे हो गया। ठीक है जी, तो ये डेटा हमारा जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने इस डेटा को एक टेक्स्ट फाइल के अंदर सेव करवाना है, ठीक है। तो सिंपल टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा एफ ओपन, सॉरी विद ओपन, और यहाँ पे मैं अपनी फाइल जो भी मैं क्रिएट करना चाहता हूँ उसका नेम यहाँ पे लिख दूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा माई रिज्यूमे, रिज्यूमे डॉट टी एक्स टी फाइल, और इसको यहाँ पे मैं राइट मोड में ओपन करूँगा कि मैं डेटा को राइट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूँगा, और यहाँ पे लिखूँगा एज एफ, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एफ डॉट राइट, ठीक है, इसमें क्या राइट कर दो, जो ये टेक्स्ट मैंने इस वेरिएबल मेरा जो टेक्स्ट है वो इसमें राइट कर दो। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक्स्ट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फाइल को क्लोज कर दूँगा, तो यहाँ पे लिखूँगा एफ डॉट क्लोज, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब इसको रन, अभी यहाँ पे आप देखो कोई माई रिज्यूमे डॉट टी एक्स टी नेम की कोई फाइल नहीं है, तो जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, यहाँ पे मैं एक और चीज़ प्रिंट करवा देता हूँ इसके बाद, लेट से मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस पहले वन आ गया, तो उसके बाद ये डेटा आ गया, ओके, इसने हमें एरर दे दिया, व्हाट इज़ दी एरर, फाइल तो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है माई रिज्यूमे डॉट टी एक्स टी, ये देखिए, और इसमें एरर यहाँ पे क्या आ रहा है, लाइन 19 तो कोई लाइन ही नहीं है भाई, यहाँ पे कह रहा है यूनिकोड एनकोड एरर, ओके ओके ओके, तो यहाँ पे मुझे एनकोडिंग यूज़ करनी पड़ेगी,
तो यहाँ पे बोला है कोड कैन नॉट एनकोड करेक्टर दिस इन पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे मुझे एनकोडिंग यूज करनी पड़ेगी। तो मैं काम करता हूँ, अगर इस फाइल को ओपन करूँ, सॉरी, तो अगर मैं इस फाइल को ओपन करूँ, डॉबी के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे मुझे एनकोडिंग यूज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एनकोडिंग इज इक्वल टू UTF, ठीक है, UTF-8 एनकोडिंग हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है जी, तो इसको मैंने सेव करके रन कर लिया, रन नहीं किया सॉरी, अभी सेव किया। अब मैं इसको रन करूँगा तो इसने फिर से नंबर ऑफ पेजेस 1 दिखा दिया। ठीक है, और यहाँ पे फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया, और यहाँ पे हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है myresume.txt। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पे देखो, इसमें सारा जो डेटा myresume.txt में यहाँ पे आ चुका है। ठीक है जी, तो ऐसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं डेटा फ्रॉम PDF फाइल। इसके अलावा भी इसके जो भी फंक्शन होंगे, ठीक है, जो भी इसके फंक्शन होंगे वो आप रीड आउट कर सकते हो कि और हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। अगर मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर में जाऊँ तो यहाँ पे ये देखिए, इसमें यूज़र गाइड्स में क्या क्या आ रहा है, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम PDF, एक्सट्रैक्ट इमेजेस भी हम कर सकते हैं, रिक्रिप्शन डिक्रिप्शन कर सकते हैं, मर्जिंग PDF कर सकते हैं, क्रॉपिंग ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, रीडिंग PDF एनोटेशन, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। अगर मैं फर्दर इसमें जाऊँ, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट डेटा फ्रॉम PDF, तो इसमें जाके हम बाकी की सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो और भी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जाके इसकी डॉक्यूमेंटेशन में फर्दर इसको डिटेल में देख सकते हो कि इसमें और हमें क्या क्या मिल सकता है। ठीक है, और भी कुछ इसमें अगर हमें देखना हो, और भी हम यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं जो PDF के ऊपर हम कर सकते हैं। वाटरमार्क टू है PDF, तो अगर आप वाटरमार्क को ऐड करना चाहते हो, अपना कोई लोगो है आपकी कंपनी का वो ऐड करना चाहते हो, वो यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, दो PDFs को मर्ज करना है तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा और इसमें क्या है, रिड्यूस PDF साइज़। ठीक है, तो रिड्यूस PDF साइज़ में जैसे अगर हम ऑनलाइन पे अगर हम जाते हैं, अगर हमें कंप्रेस करनी हो अपनी PDF फाइल, तो हम ऑनलाइन जाते हैं। ठीक है, आप अपना भी एक ऐसा फंक्शन बना सकते हो, इस पर भी हम काम करेंगे। ठीक है, ये सभी वन बाय वन चीज़ें हम वीडियो में देखेंगे और हम बिल्कुल इनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और हम इसको वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। ये भी चीज़ हम करके देखेंगे कैसे अपनी इमेज, मेरी जो PDF है उसको कैसे मैं कंप्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ घंटे को बजा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।